हाँ जी परमिंदर मैम, ओवर टू यू, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ओके सर। हाँ जी, आज आप थोनों थोड़ा जा सौखा जा काम कराने हैं, ठीक है? थोड़ा जा सौखा, थोड़ा जा औखा। हाँ जी, मैं तोड़े कोले हैगा 12 नंबर फ्लैट ब्रश या 10 नंबर फ्लैट ब्रश। ओनू फ्रंट तो तुसी इस तरह खिलारने लें, जे थोड़े कोले सॉरी। हाँ जी, आप आज हम इजी सा कुछ करेंगे, ठीक है? और थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, इजी भी होगा, मिक्स ही होगा। आपके पास अगर जैसे 12 नंबर फ्लैट ब्रश है या 10 नंबर फ्लैट ब्रश है, उसको फ्रंट से ऐसे कर लेंगे, ठीक है? अगर आपके पास यूजेबल है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? पहले से आपने यूज किया है वो ले सकते हो। अगर आपके पास न्यू है तो उसको भी ऐसे आगे से जैसे ये मेरा न्यू ब्रश है, इसको मैंने ऐसे किया तो आगे से ऐसे ये रफली हो जाएगा, ठीक है? फिंगर के साथ। अभी हम कलर लेंगे, पिंक कलर ले रही हूँ, न्योन पिंक। सिर्फ एक दो ड्रॉप्स डाल रही हूँ पानी के, सिर्फ एक दो ड्रॉप। जब बाज बंद कर एक मिनट। ना सब रिक्वेस्ट है, आज ना मैं कंप्यूटर पे नहीं हैगा, तो प्लीज अपने अपने म्यूट रखना। थोड़ा मेरे टफ हैगा है मोबाइल के ऊपर, सब लोग म्यूट करना। जो म्यूट करूंगा तो परमिंदर मैम भी नाल म्यूट हो जाए करेंगे। तुसी अपने आप को प्लीज म्यूट रखो, स्क्रीन के ऊपर टच करके नीचे म्यूट वाला ऑप्शन है करके। हां जी, तुसी अपने आप को म्यूट रखो, जे किसी ने कुछ पूछना है तो फिर वो अनम्यूट होके पूछ सकता है, तो फिर बाद चो फिर अपने आप को म्यूट कर लियो, ठीक है? पहला वैसे तुसी ध्यान नाल देखो। आज मैं कलर लिया पिंक कलर, न्योन पिंक। कोई भी शेड ले, कोई भी शेड ले सकते हो तुसी। मेहरून, मेहरून ले सकते हो, रेड ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, कोई भी शेड ले सकते हो, पर्पल, ठीक है? हमने तो सिर्फ सीखना ही है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ऐसे हमने ब्रश को रखना है, फिर ऐसे ऐसे फैन की तरह, जैसे फैन होता है ना हमारा, वो हैंड फैन, उसे वैसा करना है। इसका ये पॉइंट हमारा यही रहना चाहिए, ऊपर से हमने इसको डैब डैब करके ऐसे करना है, ओके? फिर यहाँ पे बनाएंगे एक, जैसे भी आप अपना डिजाइन बनाना चाहते हो, जहां जहां पर ये चीज बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है? बस इस पॉइंट से नहीं हमने ब्रश को हिलाना, ऊपर ऊपर से ही घुमाना है, ठीक है? अब हम ब्लैक कलर ले रहे हैं।
जैसे ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया, इसकी एक साइड पे मैंने ब्लैक टच कर लिया, ठीक है, सिर्फ एक साइड। फिर वैसे ही उसी डायरेक्शन में चलाएंगे, ब्लैक कलर सिर्फ नीचे नीचे रहेगा, ठीक है, वो ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ नीचे नीचे रहेगा। ओके, फिर ऐसे ही हम दूसरी साइड व्हाइट कलर लगा लेंगे, जिस साइड पिंक था, ठीक है, तो फिर वैसे चलाएंगे, ऊपर ऊपर व्हाइट आएगा, नीचे हमारा ब्लैक रहेगा, सेंटर में पिंक रहेगा। ये आप व्हाइट डॉट्स, जैसे ये मेरे पास जीरो नंबर ब्रश है, ऐसे हमने व्हाइट लिया, तो ऐसे भी डॉट्स भी लगा सकते हैं, अगर उससे प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप टू नंबर फ्लैट ब्रश लेंगे हम, ठीक है, इसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास टू नंबर फ्लैट ब्रश है नॉवल्टी का, अब हम ले रहे हैं सिंगल ग्रीन कलर, ठीक है, आप कोई भी सिंगल शेड ले लो, ग्रीन शेड का, डार्क लेना है, लाइट लेना है, जो भी आपकी मर्जी है। स्टैनली हम 90 डिग्री के एंगल पर सीधी लाइन लगाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर उसी दो नंबर ब्रश के साथ ऐसे छोटी सी कली बनाएंगे, ठीक है। अगले आपके पास एक्स्ट्रा ब्रश है उसी नंबर का, या थ्री नंबर का, या टू नंबर का, आप उसके साथ ऐसे बना सकते हो, जीरो नंबर ब्रश के साथ भी आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा है कि फ्लैट ब्रश को हम जस्ट डैब करते हैं तो बन जाता है, अगर आपके पास जीरो नंबर है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो अब हम दो नंबर फ्लैट के साथ इसकी लीव्स बनाएंगे, ये कली के साथ ऐसे, यहाँ पे हम फिर इसको ग्रीन से ऐसे कवर करेंगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लावर लगेगा कि ऐसे इसमें से ये निकल रहा है फ्लावर, ठीक है। ओके, ये फ्लावर बहुत इजी है, सिंपल वे से बन जाता है, और इसको आप अपने सूट में पूरे फ्रंट के आगे तीन दो करके सारे अपने सूट में बना सकते हो, और इसकी वेल भी बना सकते हो आप। जैसे हम ऐसे बेल बना सकते हैं। किसी ने बोला कि जूम करके दिखाओ, यहाँ पे ना जूम के ऐप के अंदर जूम नहीं कर सकते होते, ऑप्शन नहीं आता, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद उसको जूम करके देख सकते हो। किसी का मैसेज था कि वीडियो को जूम करके दिखाओ, वो पॉसिबल नहीं है, चलती वीडियो जूम नहीं होती जूम मीटिंग के अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको जूम करके देख सकते। ऐसे आप नीचे नीचे आगे आगे ऐसे करके आप इसको बेल भी बना सकते हो, जैसे कलियां बनानी हो आपने सूट पर, या आपने चौक पर कंप्लीट करना हो, ऐसे ऐसे
ठीक है। अभी एक साइड में ब्लैक लगा रही हूँ, नीचे नीचे ब्लैक रहेगा। दूसरी साइड अब वाइट लगा रही हूँ। आप साफ कर कर भी लगा सकते हो, अगर वैसे कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। जीरो नंबर से भी लगा सकते हो ये व्हाइट डॉट्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिया अब दो नंबर फ्लैट ब्रश, ऐसे ऐसे हमारी सेंटर में जाएगी, फिर ये फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसे जैसे मैंने आपको वो एस वाली टू वाली पत्तियां बताई हैं, अब उनको थोड़ा और लंबा ले जाओ। ठीक है, जैसे हमने तो एक वहां पे छोड़ दिया था, अभी ऐसे बन गई हमारी एस टू, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे लंबा करके आगे ले जाओ। ठीक है, बीच में हम ऐसे लाइंस ऐड कर देंगे। कहीं कहीं हम ऐसे कली बना लेंगे। ओके, इसको इसके साथ ऐसे इसके नजदीक से साथ से घुमाकर ब्रश को ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको कवर करेंगे। मैम हाँ जी, कोली का बर्स कितना नंबर है? वो टू नंबर है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इजी है, सिंपल है और सुंदर भी बहुत लगता है। ठीक है, अभी जो कल मैंने आपको रोज बताया था वो हमारी फ्री हैंड पेंटिंग का ना मेन फ्लावर है। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम चेंज कर कर बनाएंगे। आप अगर फ्री हैंड पेंटिंग सीख रहे हो ना तो ये आपको रोज आना चाहिए। ये मेन फ्लावर है फ्री हैंड पेंटिंग का, और हमारे सभी सूट्स पे डिजाइन्स पे यही फ्लावर ज्यादा यूज होता है। अभी हम पिंक कलर में और पानी डालूंगी मैं अब। ठीक है, पहले मैंने कम डाला था क्योंकि ये ड्राई स्टॉक थी, अब मैं थोड़ा और डालूंगी पानी इसमें। ये मेरा ब्रश स्मूथ चले। ठीक है, मैंने इतना इसको स्मूथ कर लिया। व्हाइट मेरा पहले से ही ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ आठ नंबर फ्लैट ब्रश। ठीक है, नॉवल्टी का। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का ज्यादा ब्रॉड लग रहा है तो आप एक नंबर कम ले लेना। ठीक है, अब वैसे ही हम लगाएंगे, एक साइड व्हाइट एक साइड पिंक। ठीक है, जो कल वाला रोज बनाया था सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। वैसे सबका अच्छा बन गया था, सबने अच्छा बना लिया था, बस किसी किसी का था जो सेंटर पॉइंट नहीं बन रहा था उनका,
ऐसे बनाना है, ठीक है। तो सेंटर को ऐसे कंप्लीट किया, तो यहाँ से रखकर आप इस साइड से रखोगे राइट हैंड वाले, यहां से मिलाते हुए इसको हाफ में छोड़ना है ऐसे, ठीक है। फिर हम अब जो हमने कल किया था वो भी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख के ऐसे हमने पत्तियां बनाई थी, ठीक है। इसको पूरा गुलाई में लेकर जाना है ऐसे, थोड़ा लगे कि हमारी पत्तियां बन रही हैं फ्लावर की ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे गोल गोल सी, ठीक है। और यहाँ पे इतना भी मतलब साथ में ही जुड़ी हुई है मैंने, ठीक है। अब ये दूसरा फ्लावर है जो उसको थोड़ा सा चेंज करना है हमने, सेम वैसे बनाएंगे सेंटर पॉइंट, फिर सेंटर में ऐसे। अब जो साइड वाली पत्ती बनानी है वो यहां पर रखकर ऐसे ऊपर से घुमाते हुए ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। इससे हमारे फ्लावर की लुक पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रखा, ऐसे घुमाया, ऐसे लेकर आए, ठीक है। अब नीचे थोड़ा और नीचे करके ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे पत्तियां बना देंगे जैसे भी बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अच्छा नहीं ना लग रहा, ठीक है। अब हम ये वाली पत्ती को दोबारा इसके ऊपर से ऐसे ब्रश लेकर जाएंगे तो यहाँ पे फिनिशिंग आएगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड, ओके, ऐसे बनाना है इसको। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं, सेंटर पॉइंट बनाया, ठीक है। उल्टी सी वही, ये हमारा मेन रहेगा, ये आपका ना, इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करना, ये हर एक सभी फ्लावर में यूज होगा। अब हम दूसरे फ्लावर बनाएंगे ना उसमें भी ये आएगा सेंटर में, तो ये रोज फ्लावर की लुक देता है, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए। आप राइट हैंड से करोगे, मैं लेफ्ट से कर रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि मेरा व्हाइट कलर ना थोड़ा ज्यादा पतला हुआ पड़ा है, अब मैं इसमें थोड़ा और व्हाइट कलर ऐड कर लूंगी। देख लो मैम, जो आपकी कलर की बड़ी बोतल है ये कितने की मिलती है, मिल जाती है इजली? ये ना इसका रेट तो है 575 और 500 की, और 500 से भी थोड़ा कम मिल जाती है, 400 जैसे 80 या 90 ऐसे कुछ मिल जाती है। ओके मैम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने ब्रश को रखा ऐसे ऊपर लेके गए, इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे लेकर आए इसके नीचे, ठीक है। फिर दूसरी साइड से, फिर उसके नीचे यहाँ पे आप ऐसे बना लेना एक बार लीफ, इसके ऊपर रखकर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो
तो ये वाली पत्ती को दोबारा इसके ऊपर ऐसे चलाएंगे। ओके, तो इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। फिर अगर बाद में आउटलाइनिंग करते हो तो और भी ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, अभी जो ये है यहाँ पे ऐसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हो फ्लावर को। ठीक है, अभी इसको और अच्छा बनाना है तो यहाँ पर हम ऐसे एक एक स्टॉक ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये और भी अच्छा लगने लगेगा। हाँ जी मैम, आप जितनी बार ये कलर लगा रहे हो उतनी बार आप लोड कर देना। क्या चीज मैम? आप जितनी बार कलर आप यूज कर रहे हैं ब्रश के अंदर तो उतनी बार ब्रश को लोड करती हैं। आवाज नहीं आ रही मेरे पास, वो ना फट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जितनी बार कलर लगा रहे हो तो उतनी बार अपलोड करती है ना? बिल्कुल ही ब्लिंक हो रही है, वॉइस समझ में नहीं आ रहा। किसी और को समझ में आए तो वो मैसेज लिख के सेंड कर दीजिए, आवाज के लिए नहीं आ रही तो मैसेज टाइप करके सेंड कर दीजिए, मैं मैम को बता दूंगा क्या पूछना है। ओके 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 सर। परमिंदर मैम। हाँ जी मैम, आज जिवें तुसीं आ फ्लावर बनाए ने अलग अलग, इन्हां नाल मतलब भी अपनी मर्जी है भी जिवें मर्जी दी पत्ती होवे आपां ओ मेरी फब्बदी होवे तो ओही जरूरी हुंदा वी एवें दी पत्ती फब्बूगी? नहीं नहीं, ओ तुहाडी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है। जेड़ा फर्स्ट वाला फूल उहदे नाल भी जिवें मर्जी दी ला दईए? हाँ जी ठीक है। हेलो परमिंदर मैम। हाँ जी मैम, एक बारी दोबारा पत्ती एक बारी दोबारा गुलाई करके दसना तुसी किवें करदे हो? एक मिनट मैम, प्लीज आउटलाइन भी करके दिखा दियो एक फ्लावर दी। हाँ जी मैं करांगी आउटलाइनिंग। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी दोबारा देख लो हम एक बारी और रिपीट कर। ये वाली चीज तो तुम समझ च आ गई ना? हाँ जी। ठीक है, ये ना तुसी पूरी फुल प्रैक्टिस करो, ये तो ये आपका ना बहुत अच्छा बनना चाहिए, ये हर एक रोज में यूज होगा आपका। ठीक है, आगे हम रोज करने वाले हैं तो ये थोड़े सिंपल से रोज हैं, फिर आगे और भी अच्छे अच्छे रोज करेंगे तो हर एक में ये चीज यूज होगी। यहाँ पे रखा साइड पे, ऐसे घुमाया, यहाँ पे ऐसे रखा, अपने आप आगे जाएगा। फिर इसको पिंक वाले को इस साइड रखेंगे, व्हाइट वाले को बाहर में घुमाते हुए ऐसे लेकर आएंगे, उसी तरह से दूसरी साइड से। ठीक है, अगर आपका हाथ की प्रॉब्लम आए तो आप फ्रेम घुमाकर कर लेना यहाँ से। आपकी ये पत्ती ठीक बनेगी, राइट लेफ्ट साइड वाली में आपको शायद दिक्कत लगे तो आप बस उल्टा कर लेना। ठीक है, अभी ये जब हम इसको ड्रॉ नहीं करते, बिना ड्रॉ के करते हैं तो ऐसे पहले सेंटर पॉइंट आता है, फिर ये पत्ती, फिर ये पत्ती। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करके करें तो पहले सबसे पहले लास्ट वाली करेंगे, फिर ये कर फिर लास्ट वाली, फिर ये वाली। ठीक है, ओके मैम। जैसे भी हमने ये पहले कर ली तो यहाँ पे फिनिशिंग खराब हो जाती है, फिर ये वाली दोबारा करते हैं तो फिनिशिंग आती है। ठीक है, अभी ये फ्लावर जैसे बेट होते हैं तो हम ड्रायर की मदद से
इनको सुखा लेते हैं। मैम हेलो मैम थोड़ा ऊपर रखकर ही सुखाना, नजदीक नहीं लेके जाना। अभी ये वाले स्टॉक आप अगर आपको बड़ा लग रहा है ना ब्रश, तो आप छोटा नंबर ले लो, 6 नंबर ले लो, या अगर आपको उससे भी छोटा लेना है तो वो भी ले सकते हो ये वाले स्टॉक लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। अब हम इसकी आउटलाइनिंग करते हैं। जीरो नंबर के साथ आप करेंगे आउटलाइनिंग। ठीक है, देखो उससे ज्यादा फिर अब अच्छे से निकल के आ रहा है ना। मैम आउटलाइनिंग जो कलर बाहर की साइड होगा उससे करनी है? हाँ उसी से करनी है। व्हाइट है तो व्हाइट करेंगे, पिंक है तो पिंक करेंगे, सिर्फ फिनिशिंग के लिए। और कोई कलर ब्लैक वगैरह मत यूज करना, वो अच्छा नहीं लगता। ओके मैम। कई फ्लावर है यहाँ पे, ब्लैक भी अच्छा लगता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हेलो मैडम। हेलो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो मैडम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी मैम, जो आपने ये जो पेटल्स बनाई हैं, इसके बीच में हमारा स्पेस छूट रहा है, कलर नहीं आ रहा। कलर अच्छे से लगा, कलर अच्छे से लगाकर आप ब्रश को चलाओ। ओके। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी मैम, केड़े पिछले तुसी स्टॉक लाया व्हाइट कलर नाल, ये केड़े प्रेस नाल लगेंगे? इस फ्लावर ते कह रहे हो ना? आ लास्ट वाले ते जी, जेड़े हुन बनाया आपां ने, इस जीरो नंबर नाल आउटलाइनिंग ना जी, ये जेड़े पहले वाले। अच्छा हां जी, ये वाले, ये तुसी छोटा नंबर ले लो। जिवें तो जैसे आपने बड़ा लिया है, 8 नंबर लिया है, तो आप 6 नंबर ले लो। अगर 6 से बनाया है तो आप फिर 4 नंबर ले लो, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, साथ के जैसा जिससे फ्लावर बनाया है उसके साथ आपको स्टॉक लगाने में थोड़े मुश्किल होगी। मैं तो उसी के साथ लगा देती हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आप उससे छोटा नंबर ले लेना। ठीक है। हेलो मैम, फ्लैट लगेंगे? हाँ जी, फ्लैट से ही लगेंगे जी। हाँ जी मैम, इसमें ये जो आपने रोज बनाया, इसमें पेटल और भी बन सकती हैं क्या? और इसमें तो इतनी ही अच्छी लगती हैं, ज्यादा नहीं अच्छी लगती। ओके ओके। और फ्लावर आएंगे उसमें हम ज्यादा यूज करेंगे। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरा ना ब्रश जो दूसरी साइड आए, मतलब कि पेटल बनाने हैं, तो फट जा रहा है ब्रश। उन्हें अच्छी तरह वॉश करके अपना कलर स्मूथ करके यूज करो। ठीक है मैम। हाँ जी, कलर थोड़ा ज्यादा फिल कर लिया करो, फिर साइड पे सेट करके फिर यूज करो। हाँ जी, ओके, थैंक यू। मैम ये कपड़ा कौन सा है? कॉटन ही है? हाँ कॉटन ही है ये।
जैसे हम ये वाला रोज बनाते हैं, ठीक है, इसी की तरह अभी एक और थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने लिया 12 नंबर फ्लैट ब्रश। मैम ये पहले रोज आपने बनाया है, इसको एक दफा ड्रॉ करके भी कैसे बनाना है ये बता दें। क्या चीज है? जो पहले ये रोज बनाया है आप कह रही थी ना, इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। हाँ, ड्रॉ करके भी तो एक दफा ड्रॉ करके जरा बना के दिखाओ। जैसे हमने ऐसे बना लिया पेंसिल के साथ ऐसे, ठीक है, तो अब जब हमने ड्रॉ किया हुआ है तो पहले हम सेंटर वाला पॉइंट बना लेंगे। तो अब हम नीचे वाली ये वाली लीफ बनाएंगे पहले। कि अब हमें पता है ये लीफ कहाँ बनेगी, ठीक है, जब फ्री हैंड करते हैं तो साथ वाली पहले आती है फिर लास्ट में इसको करते हैं। अब हमारे पास ड्रॉ है तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे बनानी है, तो अब हम दूसरी ऊपर वाली बना लेंगे। ये यहाँ से ऐसे ऊपर से आकर ऐसे आना चाहिए ब्रश हमारा, तो यहाँ पर फिनिशिंग आएगी, ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। अभी ये मैंने 8 नंबर से बनाया, तो अभी जो सेंटर में, हाँ जी हाँ जी, हुण मैं सेंटर वाले जिहड़ा वो 6 नंबर नाल बना रही है, ठीक है, सेम उसी तरह कलर लेना है, ठीक है, वाइट और पिंक दोनों शेड लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखा, थोड़ा सा उसको नीचे को करते हुए ऐसे घुमाना है, ठीक है, यहाँ पे रखा थोड़ा सा नीचे को करते हुए ऐसे घुमाना है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे ऐसे चलाया, ठीक है, यहाँ पे रखा ऐसे चलाया, ठीक है, ध्यान से देख लो, पता चल गया ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मुझे मालूम है इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा, आपका नहीं बनेगा ये, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ 12 नंबर फ्लैट ब्रश, और इसके इसमें मैं अब पिंक बाहर रख रही हूँ, ये हमारी अपनी चॉइस है, पिंक को बाहर रखना है या अंदर रखना है, ये हमें डिसाइड करना है कि कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी इसके साथ बड़े सर्कल बन रहे हैं ना ऐसे, तो इसमें ना अभी जो मैंने दूसरी तरह ये पत्ती चलाई थी ये वाली, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे नहीं चलाऊंगी, इसको मैं अब यहाँ पे रखकर ऐसे चला रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको गोल करते हुए
ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ये बड़े फ्लावर सेम आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब ग्रीन कलर ले रही हूँ, वो सी स्टॉक वाली लीफ बना रही हूँ उसके साथ। मैं अपने डिजाइन्स में ये वाली लीफ से ज्यादा यूज करती हूँ। जैसे हमने पत्तियां बनानी है, फ्लावर के नजदीक रखनी है, बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं करनी। ठीक है, यहां से ऐसे ब्रश को घुमा सकते हैं। हम पत्तियां भी 12 नंबर में बना रहे हैं, कैमरे में नहीं है राजी फ्लावर, 12 में बना रहे हैं। ठीक है, अब इस फ्लावर में आप ब्लैक आउटलाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जो ऐसे बनाते हैं हम, यहाँ पे हम ब्लैक डॉट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने ये चीज लगानी है या ऐसे ही छोड़ना है। ये दोनों तरह से ही अच्छा लगता है। अब आउट यहाँ पे आउटलाइनिंग करेंगे इसकी, हल्की हल्की ऐसे छोड़ने हैं ये स्टॉक, प्रॉपर नहीं। हमें जैसे मैंने व्हाइट की थी वैसे नहीं करनी, कि मैंने व्हाइट को पूरा ऐसे प्रॉपर चलाया था ना नजदीक रख कर, इसको मैंने ऊपर से ऐसे ऐसे स्टॉक छोड़े हैं। ठीक है, ऐसी हम पत्तियों की भी ऐसे कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी ऐसी, प्रॉपर ब्रश नहीं चलाना यहाँ पे, ये ऐसे अच्छा लगता है। परमिंदर मैम, मैंने आपसे ब्रश मंगवाए हैं लेकिन आपके ब्रश ना ज्यादा बारीक लग रहे हैं। कौन से वाले? ब्लू वाले? जीरो नंबर है एक तो। हाँ वो ऐसे ही आएंगे। अब ये मेरा ना थोड़ा यूज किया हुआ है इसीलिए थोड़ा मोटा है। न्यू तो ऐसे ही होते हैं, जब आप यूज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके ठीक है, ये भी जीरो नंबर है, यूज करने के बाद ये थोड़ा वो हो जाता है आगे से। ठीक है, ऐसे बनाना है। ये वाला 12 नंबर फ्लैट ब्रश के साथ बनाया है। अभी हम बनाएंगे थोड़ा सा, जैसे हमारे पास रफ ब्रश होते हैं ऐसे। ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी, पत्ते कितने नंबर से बनाया? 12 नंबर से। 12 नंबर, हाँ ठीक है। अभी ये वाले ब्रशेस आपके पास, कईयों के पास होंगे, जिन्होंने बिल्कुल नए ही लिए हैं उनके पास नए भी होंगे। आप एक बार सीख लो, जब आपके ब्रश खराब हो जाएंगे तो आप कर लेना। ठीक है, ऐसे हम इसको कलर को डिप करेंगे। परविंदर मैम, हाँ जी, सीखने के लिए एक दो ब्रश खराब कर लेंगे। ऐसे ऐसे हम खराब कैसे कर सकते हैं, ऐसे वो बता दीजिए। एक तो कर ही सकते हैं, खराब क्या करना, ये भी तो एक तरह का ब्रश ही बन जाएगा ना फिर। हाँ ब्रश ही बन जाएगा, जैसे भी ये है, इसको ऐसे ऐसे आप सरफेस पे ऐसे घुमाएंगे
तो आपका ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे कोई हार्ड चीज हो, ये गत्ता वगैरह लेकर ऐसे ऐसे घुमाओगे आप तो आपका वो खराब हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये देखो जी जी। मैं भी पीनी है जी जरूर अब मैं ऐसे ब्लैक कलर जैसे ही आप ना सरफेस पे डाल लो जहाँ अपने कटोरी पे रख लो वैसे हम ब्लैक कलर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये अब हमारा वैसे ही है वो वाले फ्लावर की तरह ही, बस थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, जैसे वो गेंदे का फ्लावर होता है ना उसके तरह। ठीक है, अब वाइट लेंगे, वाइट ऊपर आएगा, ये हमारा मैरी गोल्ड फ्लावर होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसे ही लगेगा ये। ठीक है, अभी इसके फिर अब जब हम लीव्स वगैरह लगाएंगे तब ये प्रॉपर अच्छा लगेगा। परमिंदर मैम, हाँ जी मैम, जो तुम उधर रोज बनाया हुआ है ओदे मैम एक वाइट एक साइड बाहर रखना है और एक साइड अंदर रखना है? हाँ इस तरह कर सकते हैं अपा, इधरली साइड इस साइड अंदर, दोनों का अंदर आना चाहिए इसका बाहर, ठीक है, फिर थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, सेम सा करते हैं तो अच्छा सेम भी रख सकते हैं, सेम थोड़ा अजीब सा लगता है, रख सकते हो आप वैसे कोई बात नहीं, अगर बाई चांस वैसे हो जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अभी एक तो हमने डॉट्स के साथ कर लिया तो अभी हम इसको एक मतलब प्लेन प्लेन भी कर सकते हैं, ऐसे डॉट्स नहीं लगाने तो ऐसे ही कर सकते हैं इसको। नीचे थोड़ा ब्लैक टच देंगे, यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग सी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा फिर पिंक लेकर ब्रश को पोंछ कर फिर अच्छे से मिक्स करके फिर यहाँ पे मैम ये जो लिंक है मैम रिकॉर्डिंग वाली इसमें ये तो पूरी होगी मैम जो आप दिखा रहे हो सब आएगा उसमें? हाँ सब आएगा। अच्छा जी मैम, आज ना मैम कर नहीं पा रही हूँ थोड़ा तो बाहर हूँ दूसरी जगह हूँ इसी के लिए पूछा, फिर बाद में देख देख के करूंगी। ओके परमिंदर मैम, ठीक है आप ऐसे जीरो नंबर ब्रश बना रहे हो जी, एक केड़ा ब्रश लिया है, केड़े नंबर का ब्रश है केड़ा हुन तुसी बना रहे हो? यह मैं 6 नंबर लिया हैगा। ओके पहला सर्कल करके 6 नाल, हां जी 6 नाल मैं थोड़ा मिक्सिंग कीती है, फिर बस सिर्फ जीरो नंबर ब्रश नाल वाइट स्ट्रोक लगाया ऊपर। ओके ओके जी, परमिंदर मैम जिवें तुसीं सारे आ फ्लावर बने हुए ने वी इन्हां नूं मतलब तुसीं जे किसी ने छोटा बनाउणा तां छोटे साइज़ वाला ब्रश लै लो, जे वड्डा ज्यादा बनाउणा तां वड्डे वाला, है ना? हां जी हां, ओह आपां देख सकदे आं वी किन्ना क बनाउणा आपां। हां जी
ठीक है। ओके हेलो मैम। हाँ जी जी मैम, जिहड़ा आपां वड्डा बनाया वा रोज वाला, ओ साइज़ दसोगे प्लीज किन्ने की इंच दा बनदा है? की चीज उहदा साइज़ पुछदी सी, ओ दसोगे प्लीज थोड़ा? हाँ जी दस दे। मैम फ्लावर दोबारे बना के दिखा दो, मैं देखा नहीं है, मेरी क्लास कट हो गई थी। छह इंच इस तरह चौड़ा है, साढ़े तीन इंच इस तरह लंबाई है कले फ्लावर दी। हाँ जी ठीक है जी, ओके मैम। ये वाला फ्लावर जो भी आपने बनाया है, हेलो मैम। हाँ जी, इसे प्लीज जरा दोबारा बता दीजिए। कौन सा वाला? ये वाला? नहीं नहीं नहीं, सबसे जो अभी जस्ट आपने, हाँ ये, हाँ अभी आपके पास कोई भी ब्रश है, अगर सेवन है बस जस्ट राउंड लगा देना है, ठीक है? बेस पिंक कलर, ठीक है? अभी इसमें नीचे वाली साइड पे थोड़ा ब्लैक का टच देते हुए ब्रश को कपड़े के साथ पोंछ कर यहाँ पे मिक्सिंग कर देंगे, कपड़े के साथ ब्रश को पोंछ कर फिर पिंक कलर लेकर यहाँ पे ऊपर दोबारा इसके पिंक से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर व्हाइट, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डैब डैब करके पिंक और व्हाइट के मिक्स, मतलब ऊपर स्टॉक कर रखेंगे ही बस ऐसे ऐसे, ठीक है? अब फिर जीरो नंबर कलर के साथ ऐसे ऐसे, अगर ये मिक्स हो रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा गीला गीला हो कलर तो मिक्स होकर अच्छा बनता है। ये हमारा ज्यादा गीला था तो ये अच्छा बन गया, ये भी अच्छा बन गया देखो, ठीक है? ये जो वो ठीक है, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है ये लगता है, ये जो भी आप बना सकते हो, ठीक है? ये अपनी अलग लुक दे रहा है, ये अलग लुक दे रहा है, ठीक है? इसके आपने देखे होंगे सूट बने हुए, आप ना इसको थोड़ा सा नीचे से ना ये पत्तियां अगर ना भी लगाना चाहे तो ऐसे आप इसको बस ऐसे करके करोगे ना तो ये और थोड़ा ऐसे खिला हुआ लगेगा, ठीक है? ये पत्तियां आप रहने देना यहाँ पे क्रॉस। मैम जेड़ा तुसीं फर्स्ट बनाया है ना, वो खराब ब्रश ना, वो किन्ना क्यूट आ, सारी शर्ट ते बना लो, बहुत सोना लगूगा ना। हाँ जी ठीक है, ये इत्थे यहाँ पे आप ऐसे बना लेना, ठीक है? इन फ्लावर के साथ ना ऐसे अच्छा लगता है ये वाली चीज, यहाँ पे भी आप ये बनाना, ठीक है? यहाँ पे भी पत्तियां ना बनाकर ये चीज बनाना, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ऐसे जैसे हमारे वो
कपास के टिंडे खड़े होते हैं वैसे लुक देता है। अब देखो ये और अच्छा लगने लगा ना मैम, टिंडे को हिंदी में बता दीजिए मैम। ये ब्लैक कलर आपने कितना सा लिया इसमें, ये वाले फ्लावर में? ये वाले में यस मैम, थोड़ा सा नीचे नीचे लगाकर बस उसको मिक्स कर दिया। पत्तियां फिर नीचे लगा सकते हैं कि वैसे ही छोड़ दो? वैसे ही छोड़ दो। मैं आपको ना डिजाइन सेंड करूंगी इसका ग्रुप में, आप वो देखना ठीक है? ओके मैम, एक कल पत्ती सी जड़ी लंबी आ जी तुसी आखा सी वो भी करवा दांगे। हाँ मैं वो कोई करवानी सी की मैम, जो फ्री हैंड प्रिंटिंग है जिस तरह आपका डिजाइन आ रहा है सेम हमारा नहीं आता, क्योंकि फ्री हैंड में एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से डिफरेंट भी हो सकता है। हाँ डिफरेंट हो सकता है, बाकी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रैक्टिस लगेगी। मुझे भी अभी 15 साल हो गए करती को। फिर आपकी तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा सफाई है, लेकिन ये है कि हम जो बना रहे हैं वो आपकी शेप की पेटल नहीं आ रही, थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। हाँ आएगी थोड़ी थोड़ी तो आएगी, फर्क तो रहेगा ही हैंड का, तो बस आप वैसे बनाने की कोशिश करो ठीक है। ओके हेलो मैम, हेलो मैम। हाँ जी मैम, जिदा तुसी जिन्ने भी अज मैम फ्लावर बनाए हैं ना, तो मैम जिदा तुसी ना एक छोटी छोटी हर फ्लावर दी ना क्लिप बना के वीडियो च पा दोगे ग्रुप विच? मैम कई बार ना ये ना चेता भुल गया कि किन्ने नंबर दा ब्रश कित्थे लिया सीगा, क्योंकि अहीं बाद विच कम करना है वाला। तुसी वीडियो दा क्लिप मिल जूगा ना तुहानू, उस तो उत्थों देख के तुसी कर सकदे हो। मैनूं हरेक फ्लावर दी थोड़ी मुश्किल हो जूगी बनानी, दोबारा रिपीट करना, इसलिए आपां ओह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सारे वी उत्थों देख के कर सकन। छोटे क्लिप भी देखोगे तो भी मतलब दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। बाकी कोई नहीं, मैं एक अद्धा भी जो भी लगता है मेनू मैं ओदी बना के भेज दांगी ठीक है। ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ, ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਬਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। टिंडिया नूं की कहंदे हिंदी च? कॉटन फ्लावर हुंदे आ, कॉटन फ्लावर। नहीं नहीं ओ इंग्लिश च है, हिंदी में उसको रुई वाली फूल कहते। हाँ ये सही है, बिच साड़ी हिंदी निकल आती है। एक्चुअली हम लोग बचपन से उसको रुई वाली फूल कहते आ रहे हैं।
दिखने में जैसा लगता है वो थोड़ा रुई रुई जैसा रहता है ऊपर में थोड़ा सा खुजा जैसा, तो उसको हम लोग रुई वाली फूल कह के बुलाते हैं। सही है जी, यही कहते हैं फिर। सही है हाँ जी। हुण आपां जिहड़ा हुण पत्तियां दे नाल जिहड़ियां पत्तियां दे नाल बनाना है ना फ्लावर, लॉन्ग लीव्स बनानी है, उसके साथ हम थोड़े फ्लावर भी बना लेते हैं तो फिर वो अच्छी लगेगी पत्तियां। फिर आप फ्लावर भी सीख लोगे, पत्तियां भी सीख लोगे, ठीक है। इस डिजाइन को आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, ड्रॉ कर कर भी बना सकते हो। जैसे हमने ऐसे लाइन लगाई, यहाँ पे हम बनाएंगे एक फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे अभी आपने लेना है, आपके पास 2 नंबर होगा या 4 नंबर खराब हो आगे से वो भी, ठीक है। ऐसे 0 नंबर से बनाते हैं तो उससे टाइम लगता है, अगर आपका ऐसा है तो सिर्फ हमें डैब डैब लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे हमने अब मैंने लिया है 6 नंबर फ्लैट ब्रश, जस्ट मैं लाइन लगा रही हूँ स्ट्रेट, ओके। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे झाड़ की बूटी होती है, ठीक है। अब ले रही हूँ थोड़ा सा खराब आगे से, ऐसे फूला हुआ है ये, ठीक है। मेरे पास 3 नंबर है, आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, अगर 3 है तो 3 ले सकते हो। ऐसे हमने लगाना है जस्ट ऐसे ऐसे डैब डैब करके छोटे छोटे 5 लीव्स के बना लेंगे, ठीक है। हमें एक गुच्छा सा बनाना है, ऐसे बीच कलर कट रखना मैम इस नंबर दे ब्रश से। हाँ बस ऐसा थोड़ा अपना थिक होना चाहिए कलर, बस अपना फ्रंट फ्रंट ते ऐसा टच होवे, ठीक है। ओके मैम, एक बार झाड़ी जी बना के दिखा दो। झाड़ी सिंपल बनाई है, तुसी 0 नंबर के साथ बना सकते हो आप, ठीक है। ओके 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 0 से ऐसे जस्ट ऐसे ऐसे सिंपल सा ये, ओके ओके ओके। ये हमें प्रेस करके थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके बनाएंगे, जब हमें लगे कि ये पूरा राउंड नहीं बन रहा तो यहाँ पे ऐसे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए भी, इसको हम थोड़ा सा शेप देना चाहे तो यहाँ पे जैसे भी एडजस्ट हो, भी पूरा 5 का नहीं बनाना, तो जैसे इसको हमने भरना है राउंड सा तो ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल स्टॉक लगाकर भी हम इसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके हेलो मैम। हाँ जी मैम, ये ओदा लगाने ना जिदा अपनी के ग्रीन लीफ बनाई सी गी ते एदा डॉट प्रेस हाँ, करके लगाई सी। हाँ जी हाँ जी सेम। ओके ओके अभी ये मेरे पास है गोल्डन येलो कलर, ठीक है। मैम बस का नंबर कितना है ऑरेंज का? ऑरेंज का वो फ्लावर इसका 2 नंबर ले सकते हो आप, 3 4 इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। 2 3 0 लेने आगे से क्या 0 लेने से टाइम ज्यादा लगेगा? हाँ 2 ले सकते हो आप। ओके
अभी देखना, अभी सिक्स नंबर फ्लैट ब्रश है मेरे पास, ये मैंने जैसे राउंड किया है यहाँ पे रखेंगे, ऐसे इसको छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो पत्तियां सिखाई थी, ये वाली वो वाली चीज आ रही है ये, ठीक है। यहाँ रखा, ऊपर ऐसे छोड़ा, फिर इस साइड, ओके। अब हम बनाएंगे लीव्स, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ एट नंबर ब्रश, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी ब्रॉड बनानी है, कितनी मतलब पतली बनानी है, कितनी चौड़ी बनानी है, वो हमारे ब्रश पे डिपेंड करेगा। अगर आप 10 लेते हो तो और बड़ी, 12 लेते हो तो और बड़ी बनेगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो पिंक आपने बनाई है, ये फूल जो पांच पत्ती वाले बनाए हैं, इसमें कलर जैसे कितना लेना है ब्रश के ऊपर, ज्यादा लेना? फ्रंट डिप होना चाहिए अपना, ओके। फ्रंट से डिप करके इसको लाइटली प्रेस करना है, यस, ओके, थैंक यू मैम। अब वही डबल शेड लेंगे, एक साइड क्रीम एक साइड ग्रीन, यहाँ पे रखा ब्रश को, ऐसे ऊपर तक कैसे बल पाते हुए लेकर जाएंगे, ठीक है, हल्के हल्का बल, फिर यहाँ पर रखकर उसके साथ साथ ऐसे, ठीक है। ये हमारी आ गई डबल स्टॉक वाली, अगर आप सिंगल भी रख सकते हो जैसे भी एक ऐसे, तो इसको बस इसके साथ ऐसे मिक्स कर दिया, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये लुक भी दे सकते हैं। परमिंदर मैम, हाँ जी मैम, वो मुड़मी पत्ती बनायो जी हुण इहदे नाल, जिहड़ी तुसीं कल बना रहे सीगे बनी नहीं सीगी। हाँ, वो ना थोड़ा मिक्सिंग वाले डिजाइन च आंदी, फ्री हैंड विच थोड़ी डिफिकल्ट हो जांदी है, नहीं ओदा ही करांगे इहदे नाल, हाँ एवें दीआं हुंदीआं ने एवें दीआं। हाँ देखो, ठीक है, दुबारी बनायो मैम प्लीज, लीफ मुड़ में। हाँ जी देखो, यहाँ पे ऐसे किया, इथो ब्रश नु फिर थोड़ा इदा करके ऐसा, ठीक है। क्रीम कलर जो ये आ रहा है ना, ये वाला शेड, इस साइड लाइट शेड, ठीक है, यहाँ पे रोको ब्रश को और ऐसे रख लेना है ब्रश को, फिर ऊपर से, फिर ये वाला क्रीम कलर यहाँ से ऐसे आएगा ना, तो ही ये मुड़मी लगेगी, ठीक है। दीदी आ वाली पत्ती दी एक वीडियो पा दियो। हाँ जी पा दांगे, बनी हुई है पहला तो वो पा दांगे। हिंदी परमिंदर मैम वो मैं वाली मेरी वीडियो पंजाबी में बनी हुई है, देखूंगी अगर हिंदी में कन्वर्ट करके हो गया तो। ठीक है, समझ आ रही है, बस कलर प्रॉपर ब्रश विच थोड़ा फिल होवे, फिर इस तरह आराम नाल तुसी जाई जाओगे ऊपर तक चला जाऊगा, ठीक है। अगर आपका ड्राई ड्राई हो रहा है कलर, ठीक है, जैसे आपका इतनी बनाई पत्ती आपने ऐसे रफली आप बना दो, ठीक है,
आपका यहाँ पे छूटेगा, जैसे दड़दड़ा सा जाएगा, ब्रेक होकर जाएगा, बना दो आप वैसे की वैसे, ठीक है। जैसे मैं इसमें थोड़ा कम कलर ले रही हूँ, ठीक है। जैसे अब ये बनाई मैंने, ऐसे बना दी ना, देखो दरदड़ी सी, बस एक बार स्टॉक लगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर चलाओ सेम, ठीक है। अब यहां से ठीक बन गया, अब अगर यहाँ पे अभी रुक रहा है तो फिर कलर लगाना है, फिर वहां से स्टार्ट करके उसको पूरा कर दो, ठीक है। तो फिर बाद में उसको कंप्लीट ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। आपका वो जॉइंट मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने यहाँ से ब्रश को स्टार्ट किया था, ओके। ये आपको लगेगा, आएगा ये दिक्कत ना, स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत आती थी, भी कलर प्रॉपर नहीं आता था तो बीच में रुक जाता है, वो हमारे कई बार ना स्टफ की वजह से भी हो जाता है। स्टफ ऐसा होता है कि वो पकड़ता नहीं है, ऐसे ऐसे बीच में छूट जाता है। बस आपने एक बार बना लेनी है, फिर बाद में उसके ऊपर स्टॉक लगाते रहना है, ठीक है। मैम जिस तरह आपके दोनों कलर सेपरेट आते हैं, हमारे मर्ज हो जाते हैं। हाँ मैम, यही बोलने जा रही थी मैम, मैं दोबारा जब उसके ऊपर से चलाते हैं ना तो वो पूरा मिक्स हो जाता है, आईलाइन मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम। ये धीरे धीरे आपका कंप्लीट होगा, आप थोड़ा कलर को थिक रख कर लो, ज्यादा पानी मत डालना आप, तो फिर आपके अलग अलग रहेंगे। जब हम थोड़ा ज्यादा पानी ऐड हो जाता है तो भी ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है मैम। बाकी ना जितना टाइम हम सीखते हैं उतना टाइम ये प्रॉब्लम आती है, जब हम सीख जाते हैं तब नहीं आती जी। हाँ सीख जाते हैं फिर कब कहाँ आएगी ये प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे अभी तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो काम, मैंने आपका देखा है, पहली बार भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट है जिनका, एक दो स्टूडेंट है जिन्होंने वर्क दिखाया था, बहुत मतलब उनका बहुत ही बुरा हाल है ऐसे भी उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैडम, एवं दे डिजाइन विच नीचे कुछ ग्रास टाइप भी बनया होंदा है ना। हाँ जी बना सकते हैं, पर अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है मैडम दस्यो इस तरह। हाँ जी ओके मैम। हेलो मैम, इस तरह भी कर सकते हैं। हेलो मैम, हाँ जी, ये वाटर इफेक्ट भी दे सकते हैं क्या मैम नीचे से इस फ्लावर में थोड़ा बहुत? हाँ वो अलग होगा, वो बाद में कराएंगे वाटर इफेक्ट। मैम आज की वीडियो ग्रुप पे सेंड कर दोगे कि आप फ्लावर बना रहे, क्योंकि हम बना नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा वो मतलब हो रहे हैं। वो वाली वीडियो तो आएगी जो पूरी कंप्लीट बन रही है। अच्छा, छोटे छोटे क्लिप मुझे जो लगा अच्छा मैं वो बनाकर भेज दूंगी अभी, ठीक है। इनको यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है, जैसे मैं वो वाले फ्लावर बोल रही थी ऐसे करना है इसको। परमिंदर मैम जदों वो करते हो ना जब डबल शेड कलर लेने हो ना, डबल कलर लेने हो तो उदो कला ब्रश दा ऊपर ऊपर जा सारा ब्रश डिप हुंदा मतलब ऊपर तक ऐदा हुंदा, इन्ना ब्रश डिप हुंदा। एक मिनट देखो इस तरह दिख रहे ना। हाँ जी हाँ जी, इना इना डिप होंदा है। हाँ एक साइड साइड जी कोने जी ना। ठीक है, दूसरी साइड इस तरह। मैम थोड़े ब्रश नु तो सारे नु कलर लग गया होंदा, साडे तो माड़े जी नु लगदा है जी एवं लगा के। नहीं ए इना ना इना थोड़ा थोड़ा जा लगा लांगे, पर फिर वो जल्दी मुक भी जांदा जिवें थोड़ा जा लगा लिया ते यही प्रॉब्लम है जी। ਤੁਸੀ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਟ੍ਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਈਡ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ।
मैं तो उपर तक भी कर दिंदी सी, मैं भी खत्म हो जाता उपर तक करके देख लेने, फिर ज्यादा खराब जो मिक्स हो जाता सी जो ज्यादा उपर तक ब्रश कर लेने से ना फिर मिक्स हो जाता। आपके पास ऐसी है कटोरी ब्रश अच्छे से डिप होता है? हाँ कोई मैं केड़ी कटोरी लेती हुई तुसी ये मेरी अपनी 100 ml की जो आती है पैकिंग उसका सरफेस है। आप ऐसे जो मेडिकल मेडिसिन वाली आती हैं इसका भी आप ले सकते हो, ये भी ठीक है। अच्छा इसमें आपका ना ब्रश अच्छे से डिप होगा कोना जब हमारी कलर बच जाता है उसको टक के रख दी अगले दिन यूज हो जाएगा। क्या चीज कलर जी में थोड़ा जा बच जाता है डब्बे च उसको टक के रख दी अगले दिन यूज हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो अगर भी मतलब ज्यादा पानी उसमें ऐड हो फिर तो चल जाएगा, अगर ड्राई ड्राई है वो सूख जाएगा, वो आप अपनी बॉटल में दोबारा फिल कर लिया करो। अच्छा जिस कन अच्छे से लग जाता है, मेरे कलर ज्यादा ज्यादा होते हैं तो मैं ऐसे ही ढक लेती हूँ, ये तो पड़े रहते हैं एक दिन तक। अच्छा। अगर कम हो ड्राई हो फिर वो सूख जाते हैं। हेलो मैम। हाँ जी मैम, आज का जो आपने सिखाना था वो हो गया? एक मिनट अभी और भी सिखाना है आपको। अब भी ना इसमें इस फ्लावर में ना व्हाइट कलर के ऐसे ऐसे डॉट्स लगाने हैं सभी के फ्लावर के सेंटर से। हाँ जी सेंटर च हर एक कली दे नाल। हेलो मैम। हाँ जी बनमा, जिते तुम डॉट लाउन डे किन्ने ब्रश दे नाल बनाई सी ये पत्तियां? ए वाली चीज? हाँ जी ये दो नंबर ना, दो या तीन या चार कोई भी हो गए उनना चो। परमिंदर मैम बन नहीं रहा सी का। परमिंदर मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, मैं सर नु कह दे सानू कल नु भी आयो अनम्यूट ही रखण। दोबारा बना के दस दियो प्लीज। हाँ जी दस दिया अपनी क्लियर हो रहा कि किवें नीचे किवें लगाना हैगा। सर तुसी हैगे हो इथे? हेलो सर। सर नु कह दियो सी गुड बच्चे बने सी अज ते कल नु अनम्यूट ही रहन देन सर, नाल दी नाल डाउट क्लियर हो ही जांदे ने। ठीक है आ देखियो इस तरह ऐदा लगाया कलर इस तरह प्रेस कीता। ठीक है मतलब स्ट्रेट रख के ही उन्हों प्रेस करना है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट रख के अगे फ्रंट तो ये थोड़ा जा खिलरिया होया मोटा होया हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कलर से अपन ज्यादा ही लेना है ना इधे विच? हाँ जी थोड़ा जा इस तरह भी मतलब पूरा अगे तो फ्रंट तो इस तरह लग जाए फ्रंट डिप हो थोड़ी ज्यादा आ जाए 7 आ जाए पेटल दा साइज अपना जा रहा है 7 इंच नहीं पेटल जो ये अपनी छोटी वाली बनाई है पिंक में अगर ये 5 पेटल का फ्लावर बनाया ना 4 का या 5 का तो अगर 7 हो जाए। मैम लाइव चल रहा है ना बंद कर दो। बंद कर दो सर लाइव।